कप एंड बॉब विस्कोमीटर। दोस्तों कप एंड बॉब विस्कोमीटर हमारा एक मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर होता है, ठीक है, और इसकी कैटेगरी होती है रोटेशनल विस्कोमीटर। ठीक है, रोटेशनल विस्कोमीटर की कैटेगरी से ही आता है। तो अब देख लेते हैं कि कप एंड बॉब विस्कोमीटर क्या ऐसा होता है हमारा, ठीक है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और कैसे इसकी वर्किंग होती है। ठीक है, तो देखो कप एंड बॉब विस्कोमीटर हमारा कुछ इस तरह का होता है। ठीक, तो ये जो आपको दिख रहा है कंटेनर, ये कप है, ठीक है, इसको हम कप बोलते हैं। ठीक, और इसके अंदर ही हम क्या करते हैं, लिक्विड को फिल करते हैं जिसकी हमें विस्कोसिटी निकालनी है। ठीक है, इसके ऊपर हम प्लेस करते हैं एक बॉब। ठीक है, ये एक बॉब है। ठीक, ये बॉब जो होता है इसमें एक स्प्रिंग कनेक्टेड होती है, ठीक है, जो मेज़र करने का काम करती है टॉर्क को। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है इसमें। तो दोस्तों होता क्या है, देखो हम अपने देखो वर्किंग समझते हैं और प्रिंसिपल समझते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इट मेजर्स द टॉर्क रिजल्टिंग फ्रॉम विस्कस ड्रैग। ठीक, ये विस्कोमीटर हमारा टॉर्क को मेज़र करता है स्प्रिंग के थ्रू। ठीक है, कि कितना टॉर्क लगाता है लिक्विड। ठीक है, कैसे वर्क करता है वर्किंग समझते हैं। सैंपल प्लेस्ड इन कप। ठीक है, जो सैंपल है हम उसको पहले कप में प्लेस करते हैं। सेकेंड पॉइंट, बॉब इज प्लेस्ड ओवर कप। अब इस बॉब को कप के ऊपर प्लेस किया हमने। थर्ड, बॉब और इधर कप इज रोटेटेड। ठीक है, या तो ये जो बॉब है ये रोटेट करे, ठीक है, या फिर कप रोटेट करे। ठीक है, दोनों एक बार में रोटेट नहीं करेंगे, इनमें से एक रोटेट करता है। ठीक है, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाला कराएं, या तो बॉब रोटेट करवाएं या फिर कप रोटेट करवाएं। ठीक है, हम की और फिर उसके बाद क्या करता है, हमें टॉर्क मेज़र करना है कि कितना टॉर्क जो है वो जनरेट होता है, ठीक है, स्प्रिंग के थ्रू। ठीक, कितना टॉर्क जनरेट होता है, फिर इसके थ्रू हम विस्कोसिटी को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे इसके टाइप्स देख लेते हैं कि टाइप्स कितने हैं इसके और किस तरीके से ये हम इसकी विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखो जो टाइप्स होते हैं कप एंड बॉब विस्कोमीटर, वो दो टाइप होते हैं, कोइट टाइप एंड सेरल टाइप। ठीक है, जो कोइट टाइप होता है इसमें क्या होता है कि कप इज रोटेटेड। क्विट टाइप में कप रोटेट होता है, सी सी, आप इससे याद रख सकते हो कि क्विट में हमारा सी आ रहा है तो आगे कप ही रोटेट करेगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैकमाइकल विस्कोमीटर हमारा। दूसरा है हमारा सेरल टाइप, इसमें क्या होगा, जो बॉब होगा वो रोटेट करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था आपको कि इधर बॉब और इधर कप इज रोटेटेड। ठीक है, तो सेरल टाइप में हमारा बॉब इज रोटेट करता है। ठीक है, तो बॉब रोटेट करता है। ठीक, एग्जांपल तौर पर स्टॉर्मर विस्कोमीटर। ठीक, अब वर्किंग फार्मूला देखते हैं कि किस फार्मूला से हम विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखो विस्कोसिटी हम निकालेंगे नीटा इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू अपॉन में ये हमारी वी। ठीक है, तो जो हमारा के होगा ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक, डब्ल्यू हमारा वेट है, किसका, बॉब का, कि बॉब कितना, बॉब का वेट कितना है, और जो हमारी वी है ये है हमारी शेयर रेट आरपीएम की, कितनी रेवोल्यूशन पर मिनट हो पाती है, ठीक है, जो हम रोटेट करते हैं। ठीक है, और नीटा है हमारी विस्कोसिटी। तो इस फॉर्मूले से हमारी विस्कोसिटी मेज़र हो सकती है बाय यूजिंग कप एंड बॉब विस्कोमीटर।